हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस इन्फॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म पर, जहां हम आप सभी तक भारत के डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हुए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड सभी अपडेट के ऊपर बात करते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीटी कुमाऊं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि उत्तराखंड में इस्टेब्लिश्ड है। ये एक राज्य सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान है, जहां से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, जिसके ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हम यहां पर देखेंगे कि यहां कौन कौन से पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है, एप्लीकेशन फ़ीस के ऊपर बात करेंगे, साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है, इन सभी चीज़ों को वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो जो लोग भी हमारे चैनल पर अभी नए हैं या जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आप लोगों को समय पर मिलता रहे। तो सबसे पहले आप लोगों को जाना होगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना है www.kecua.ac.in, और इसी वेबसाइट पर आपको फॉर्म अप्लाई करने का लिंक और साथ ही साथ ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। आप 10 जुलाई 2024 के डेट पर जाकर इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और जिन लोगों को इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिल रहा है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। हम वहां पर वीडियो के लिंक के साथ ही पीडीएफ रहता है, उसे अपलोड कर देते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ आप सभी को इनवाइट किया हुआ है एप्लीकेशन करने के लिए। यहाँ पर इंडियन सिटीजन जो भी हैं, यानी कि भारत के किसी भी स्टेट से अगर आप हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फैकल्टी पोजीशन का पोस्ट है, और इंस्टीट्यूट इन द पे स्केल जो यहाँ पर रखा जा रहा है, पर 7th पर कमीशन का सैलरी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पर इस पोस्ट के लिए दिए जा रहे हैं। तो जिन डिपार्टमेंट में यहाँ पोस्ट मांगे जा रहे हैं, अगर हम उन पर बात करें, और जिस कैटेगरीज़ में पोस्ट मांगे जा रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ये पोस्ट प्रोफेसर के लिए निकल कर आया हुआ है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए निकल कर आया हुआ है। वहीं वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट का भी पोस्ट है, जिनके ऊपर यहाँ रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर से यहाँ पर कोई भी सीट नहीं मांगी जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी एक एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। वहीं सिविल इंजीनियरिंग में भी यहाँ पर प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट है, और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी एक एक पोस्ट पर यहाँ रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। वहीं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी यहाँ पर प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में प्रोफेसर के लिए एक पोस्ट है, और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यहां पर प्रोफेसर के लिए एक और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए दो सीट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। मैथमेटिकल इंजीनियरिंग में यहां पर प्रोफेसर के लिए एक और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी एक पोस्ट मांगे गए हैं। वहीं सेंट्रल वर्कशॉप में यहाँ पर एक पोस्ट जो है वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट के लिए रखा गया है। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, वो फॉर्म अप्लाई कर ले। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, उसमें आपका एक्सपीरियंस भी ऐड रहेगा। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस मांगे जा रहे हैं, उसमें आपको डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 1500 रुपये, अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, तो आप लोगों को करने होंगे। वहीं 1000 रुपये एससी एसटी कैंडिडेट को यहां पर डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा यहां पर आप लोगों को भेजना होगा। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको पोस्ट से रिलेटेड सभी अपडेट यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे। आप जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप कर लें, तो इसमें जो भी कंप्लीटेड प्रिंटआउट रहेंगे, जो फाइनल प्रिंटआउट रहेंगे, उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास हैं, उसे आप लोग डायरेक्टर बीटी कुमाऊं यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारहात, जो ये का जो एड्रेस है, यहाँ पर आपको रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट के माध्यम से 9 अगस्त 2024 से पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेज देना है, ताकि यहाँ पर जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड रहेंगे, उन्हें इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, और वहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट को ही अपॉइंट किया जाएगा। तो गाइज़, इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी अपडेट हम आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।